नमस्कार जी दोस्तों, मैं हूं अंशु, ऑनलाइन स्टडी टू। हम आज के वीडियो में आप सीख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, जो कि हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हम आपको सिखाने आए हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देख करके और अच्छी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज सीख लीजिए। साधारण ब्याज हम आप लोगों को बता चुके हैं, लास्ट में वीडियो दिखेगा, देख लीजिएगा। तो देखिए, हमारा 4000 का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो हमें पहले इसमें लिखना पड़ेगा कौन सा क्या चीज़ है, ठीक है। तो मूलधन, ठीक है, मूलधन क्या हमारा हो गया, इसमें मूलधन हमारा ये हो गया 4000, ठीक है, 4000 रुपये। फिर हमारा दर कितना हो गया, दर हमारा कितना हो गया, 10% हो गया। और समय कितना हो गया हमारा, समय हो गया इसमें 3 वर्ष, ठीक है। तो 3 वर्ष हमने यहाँ पर लिख लिया। तो हमारा एक सूत्र है यहाँ पर, सबसे पहले हमें इसमें मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा, तब जा कर के हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे। तो मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन इजकल टू पी, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, 1+ दर/100, और ऊपर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सूत्र पे हम रखेंगे और सवाल को पूरा लगाएंगे। इसके बाद भी हमारा एक सूत्र होगा, जब ही जाके आंसर आएगा। तो चलिए अभी हम रख लेते हैं इसको इस सूत्र के हिसाब से। तो देखिए, इजकल टू पहले लगाएंगे, ठीक है, और मूलधन क्या हमारा यहाँ पे 4000, तो 4000 हम यहाँ पे लिखेंगे, हो गया 4000। कोष्टक बनाएंगे, 1+ दर क्या है हमारा, 10%, यानी 10, और बट्टा में क्या है, 100 है, ठीक है, और ऊपर क्या है, समय है। तो समय हमारा क्या दिया है, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष हम यहाँ पर लिख देंगे। अभी इसके बाद फिर से हल करेंगे हम यहाँ पर, तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 4000, और ये इसको क्या करेंगे कि देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या, 1/10, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 11। ऊपर एलसीएम निकाल करके देख लीजिएगा, आप लोगों का इसी प्रकार से होगा। तो हमारा क्या हो गया, 11/10, कितनी बार, 3 बार यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको। तो कैसे लिख सकते हैं, 4000, ठीक है, गूढ़े 11/10, फिर गूढ़े 11/10, फिर गूढ़े 11/10। क्यों लिखा हमने, क्योंकि ऊपर देखिए 3 का घात दिया है, यानी 3 दे दिया ऊपर, तो 3 बार हमने इसको लिख दिया 11/10 को। तो अभी देखिए क्या करना है कि देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, दूसरे 0 से ये वाला 0 कट गया, और ये वाले 0 से ये 0 कट गया, यानी क्या आपके पास बच गया अभी, 4 गूढ़े 11 गूढ़े 11 गूढ़े 11, ये वाले सारे 11, ठीक है। तो अभी आप इसको भी गुणा कर लीजिए आपस में, तो हो जाएगा कि हमारा 4 गूढ़े 11 का घात हो जाता है हमारा 1331, यानी 11 गूढ़े 11 गूढ़े 11 जब करेंगे तो 1331 हो जाएगा, और गूढ़े 4 है। फिर इसको भी गुणा कर लीजिए, 4 एकम में 4, और 4 3 12 को हो जाएगा 2 हासिल 1, फिर 4 3 12 एक हासिल था 13 को 3, 4 एकम में 4 और 1 हासिल था 5, यानी कितना हो गया, 5324। ये तो हमारा मिश्र धन निकल करके आया है। हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था ना हमारा, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज इजकल टू मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसको इसी हिसाब से हम निकालेंगे तो आ जाएगा, तो मिश्र धन हमारा क्या आ गया, 5324 माइनस क्या हमारा मूलधन यहाँ पे दिया था 4000 ना, तो 4000 को इसमें से घटा दीजिए। तो देखिए, हमारा 4000 जब इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 0 जाएगा तो 4, फिर से 2 में से 0 जाएगा तो 2, 3 में से 0 जाएगा तो 3, और 5 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। यानी क्या हमारा ब्याज निकल करके आ गया, हमारा ब्याज निकल करके आ गया 1324। तो बहुत ही आसान तरीका था, आप भी इसी प्रकार से सवाल को हल करेंगे, और चैनल को आशा करता हूँ सब्सक्राइब तो करेंगे यार, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ोगे। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो फटाफट।